Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत लगातार खराब चल रही है। पिछले कई दिनों से बीमार रामविलास पासवान के हार्ट की सर्जरी शनिवार को दिल्ली में की गई। इस बात की जानकारी खुद उनके पुत्र और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दी है। दरअसल रामविलास पासवान का इलाज पिछले कई दिनों से एक निजी अस्पताल में चल रहा है। कल उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद चिराग पासवान संसदीय दल की बैठक को छोड़कर अचानक से चले गए थे। इसके बाद शनिवार की देर रात ही रामविलास पासवान के हार्ट का ऑपरेशन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए चिराग ने लिखा, पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन करना पड़े। संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मालूम हो कि रामविलास पासवान की तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से खराब चल रही है। शनिवार की शाम लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली थी, लेकिन इसी बीच अस्पताल में भर्ती रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चिराग पासवान बैठक को टालकर अस्पताल रवाना हो गए थे। शनिवार की रात हुए हार्ट ऑपरेशन के बाद रामविलास पासवान की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि तबीयत में सुधार होने के बाद उनके दिल की एक बार और सर्जरी की जाएगी। रामविलास पासवान की तबीयत ऐसे समय में बिगड़ी है जब बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है और एनडीए में सीटों को बंटवारों को लेकर बात नहीं बन पाई है, और उसी को लेकर उनके जो बेटे यानी कि एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान हैं वो कहीं ना कहीं संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहे थे, ताकि जो है आगे की रणनीति को तैयार किया जाए और बिहार के विधानसभा चुनाव को किस तरीके से लड़ा जाए इस पर चर्चा होने वाली थी। लेकिन बीच में अचानक उनकी तबीयत खराब होने के बाद चिराग पासवान उस मीटिंग को छोड़कर चले गए। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.